नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद के चिरकुंडा राजद का एक दिवसीय महाधरना। चिरकुंडा नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर युवा राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश के द्वारा विगत एक महीना पहले यानी 19 जनवरी 23 को दिए गए 11 सूत्रीय मांग पत्र में मांगों की पूर्ति नहीं होने को लेकर आज दिन बुधवार को चिरकुंडा नगर परिषद के कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय महाधरना दिया गया। इसको लेकर जिला अध्यक्ष राजेश कुमार उर्फ बिट्टू मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी योजना की घोषणा होती है मगर धरातल पर नहीं उतरती वह और जनता को इसका लाभ नहीं मिल पाता। अगर कहीं पर काम होता भी है तो उस कार्य योजना का शिलापट भी उस जगह पर नहीं लगाया जाता है ताकि जनता को पता चल सके कि यह योजना कितने का है। आखिर सांझ को आंच कैसा, पानी फाउंटेन पार्क के नाम पर घोटाला, कैंप बस स्टैंड की कोई व्यवस्था नहीं, दो रास्ता स्वीकृति हुआ लेकिन बना नहीं, सरकारी जमीन का घोटाला और सरकारी जमीन बेच दिया गया। इन मांगों को लेकर आज चिरकुंडा नगर परिषद कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय महाधरना दिया गया है। वहीं राजेश कुमार उर्फ बिट्टू मिश्रा ने कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो कार्यालय के गेट के अंदर बैठने का कार्य करेंगे और गेट को बंद करने का भी काम करेंगे। पाइपलाइन 23 करोड़, चिरकुंडा शहरी जलापूर्ति मॉडल, शौचालय वाहन खरीदारी में घोटाला, ईंधन का निजी उपयोग, मच्छर मारने का फॉगिंग मशीन में घोटाला इत्यादि बातें राजद के राजेश कुमार उर्फ बिट्टू मिश्रा ने कही। इस मौके पर बिट्टू मिश्रा, सुनीता सिंह, शहजाद अंसारी, सोनू यादव, सोनू खान, हरेराम यादव, उपेंद्र यादव, मोहम्मद नवाब, मोहम्मद नौशाद, लक्ष्मी देवी, शबाना खातून, अशोक गुप्ता, विक्रांत मिश्रा, अजीत सिंह, बिक्कू खान, राजन यादव, विक्रम यादव उपस्थित थे। चिरकुंडा संवाददाता मधु गौराई की रिपोर्ट। मीडिया के माध्यम से और आपने देखा होगा विगत एक महीना पूर्व ही 11 सूत्री मांगों को लेकर के हमने यहाँ कार्यपालक से एक लिखित रूप से बात किया था और उनसे मांग भी की थी कि यहाँ पर जो भी योजनाएं यहाँ पर धरातल पर दिख तो रही है पर उस योजनाओं का पूर्ण नहीं होने के कारण यहाँ जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा। उसमें से 11 जो मांग था हमारा, सबसे पहला तो अपना मांग था कि यहाँ नगर परिषद के जस्ट बगल में एक नाव का ढांचा बनाया हुआ है जो अभी तक ने यहाँ पर शिलापट भी नहीं लगाया गया है लेकिन सूत्र से हो या कैसे भी पता चलता है कि 34 लाख रुपया का फाउंटेन का काम है। और इनका तो सबसे बड़ा गड़बड़ी ये है ना कि योजना का शिलापट भी नहीं लगाते, जैसे कि जनता को पता चले कि आखिर ये योजना कितने रुपए का है, योजना किस विगत का है, ताकि लोग पूछ तो सके कि अरे 34 लाख का ही काम है। मतलब कैसे बोलता है कि सांच को आँच किया, हमको बताना नहीं है कि जनता को कि आप देखिए, अरे आप खुद देखिए कि ये नाव 34 लाख का है, आप खुद देखिए यह शहीद चौक, जो शहीद चौक पर पहले पूर्व में शहीदों का एक शेड हुआ करता था, आज उस शेड को भी हटाकर 34 से 35 लाख रुपया का वहाँ पर एक फाउंटेन का नाम पर उसको भी आज तक फाउंटेन चालू नहीं, चिंता की जनता तक उस फाउंटेन को देखी नहीं, यहाँ दो दो पार्क बनाया गया 34 लाख रुपया, उसका भी हमने मांग किया था कि अरे आप जो भी किए योजना को लाए, योजना को धरातल पर लाए पूरा, उसको क्यों नहीं करते, आखिर उसका पैसा में कहीं गड़बड़ी है, आपको पैसा सरकार नहीं देती है, हमसे भी बोलिए, हम तो खुद सरकार में हैं, हम पहले भी इस बात को बोले हैं कि हम खुद सरकार में हैं, आप जब योजनाओं को चालू करते हैं उस समय भी हमें बुलाइए, आपकी योजनाओं में कहीं गड़बड़ती है तो हमें उसमें भी बुलाइए, अगर आप हमको उस लायक समझते हैं तो नहीं समझते हैं आप भ्रष्टाचार करते हैं, हम आपके विरोध में यहीं से उतरेंगे और यहां से उतर कर लेकिन विधानसभा तक जाने का काम करेंगे। अब विधानसभा में जाएंगे हम, आप पार्क के नाम पर यहां पर करोड़ों रुपया का योजना को धरातल पर लाए और पूर्ण नहीं किए, फाउंटेन का नाम पर लाए और पूर्ण नहीं किए, यहाँ गली गली में हमने कार्यपालक जी से अनुरोध किया था कि आप दिन में मत घूमिए, दिन में आपको लाइट नहीं दिखेगा कि आपके गली में लाइट जल रहा कि नहीं जल रहा, आपको रात में लाइट दिखेगा, हम उनसे कहा था कि आप लाइट में अपने लाइट को देखना है तो आप रात में घूमिए, आपके गली में कहीं पर भी गांव से भी बदतर स्थिति है, जो एक पंचायत में लोग वहां पर पंचायत में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम करते हैं, गली गली मोहल्ला में जाकर देखिए, लेकिन ये नगर परिषद 68 जो अपना विधानसभा में 68 को जो पंचायत है उस पंचायत में जितना फंड नहीं आता उससे कई गुना ज्यादा यहाँ फंड आता होगा। राजद की ओर से क्या मांग, राजद से वही 11 सूत्री मांगों को फिर से हम बैठे हैं, आज नगर परिषद के समीप बैठे हैं, उस दिन हम शहीद चौक पर बैठे थे, आज नगर परिषद के समीप बैठे हैं, कल तक अगर इस 11 मांगों को नहीं पूरा किया जाएगा, अगर उसको धरातल पर जनता का लाभ नहीं पहुंचाया जाएगा तो हम गेट के अंदर भी बैठने का काम करेंगे और गेट को बंद करने का भी काम करेंगे।